विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सत्ता बनाने का रास्ता क्लियर किया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। कान नाक गला रोग सर्जन डॉक्टर रतन तिवारी ने भाजपा की जीत को लेकर कहा कि भाजपा की योजना नरेंद्र मोदी की गारंटी का भाजपा की जीत में अहम योगदान रहा है। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव की हुई मतगणना में तीनों राज्यों में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। 3 राज्यों में भाजपा के प्रत्याशियों ने दमदार जीत हासिल की है। विशेषकर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अब की बार 75 पार के नारे को ध्वस्त कर दिया है। तीनों राज्यों में भाजपा ने कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ कर दिया है। अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग सर्जन डॉक्टर रतन तिवारी ने भाजपा की इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया है। डॉक्टर रतन तिवारी ने कहा कि भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने भी जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई है। भाजपा प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनाव प्रचार तक सभी कुछ में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नजर रखी जा रही थी। डॉक्टर रतन तिवारी ने कहा कि भाजपा की योजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भाजपा प्रत्याशियों की जीत का कारण बनी है। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक लाइन में देना चाहूँगा। जो अभी तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जो भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, यहाँ तक कि तेलंगाना में भी जो भारतीय जनता पार्टी का अच्छे से खाता खुला है, जहाँ पिछले चुनाव में 0 सीट थी, अभी 8 सीट आ गई है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 राज्यों में भाजपा को फायदा हुआ है या भाजपा का परचम लहराया है, तेलंगाना में भी परचम लहराया है, वहाँ पे भी हमारा भाजपा का बहुत अच्छे से खाता खुल गया। आगे हम उसको भी देखेंगे। अब जहाँ तक प्रश्न है कारण का, इस तीनों राज्यों में बंपर जीत के कारण का, तो एक लाइन में ये है, भाजपा की योजना, मोदी जी का देश की उन्नति के लिए विजन, और तीसरा आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। पूरा देश मोदी जी के ऊपर अब पहले भी था और अभी भी था, विश्वास और बढ़ गया है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने देश के विकास में जो कार्य किया है 2014 से लेके अब तक, वो उनके उच्च विजन का ही परिणाम है, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है, जिससे भारत में खुशहाली आती जा रही है, भारत का विकास अब तेजी से होता जा रहा है और भारत विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान भारत ने प्राप्त कर लिया है। इसके पीछे जो मुख्य जो कारण है, वो मोदी जी का विजन ही है, उनकी दूरदर्शिता है। अब चुनाव की बात यदि करें, तो चुनाव में बहुत सारे फैक्टर थे। यदि हम 3 राज्यों के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ में ही बात कर लेते हैं। क्या कारण है इतनी बंपर जीत का? भूपेश बघेल जी, कांग्रेस की जो सरकार है, निश्चित तौर पर 5 साल बहुत बंपर बहुमत से आई थी, लगभग 75 के आसपास की सीटें थी, पूर्ण बहुमत था, काम भी उन्होंने किया, किंतु उसके बाद भी वो ये वाला चुनाव हार गए। कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं थी, भूपेश बघेल जी काम भी कर रहे थे, सबको संस्कृति से, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ भी रहे थे, सबको जोड़ भी रहे थे, किंतु इतने सबके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की जो करारी हार हुई है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। प्रथम कारण तो मैंने आपको बता दिया कि मोदी जी की गारंटी, दूसरा कारण फिर से भाजपा की चुनाव लड़ने की योजना, मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी का यहाँ पर एक संयुक्त प्रयास, प्रत्याशियों का चयन, जीतने योग्य प्रत्याशियों को टिकट का वितरण। तो ये सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। जहाँ तक जीतने का प्रश्न है, जो इतनी बंपर जीत का प्रश्न है,
अब इसमें यह है कि जो विरोधी जो दल थे कांग्रेस, इस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि भाजपा यहाँ पर छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त करेंगे, किंतु शराब मुक्त हो नहीं पाया। इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं उनमें अवश्य कुछ नाराजगी थी, ये एक बहुत बड़ा एक कारण था। दूसरा, कुछ तुष्टीकरण की राजनीति भी थी। काफी कुछ यहाँ पे कवर्धा जैसी जगहों में या और कहीं भी कुछ कुछ दंगे भी हुए जिसमें कि हमारे हिंदू और मुसलमान भाई दोनों लोग उसमें को नुकसान उठाना पड़ा, जिसका कि बहुत अच्छा संज्ञान नहीं लिया गया। इससे भी कुछ लोगों की नाराजगी थी, विशेष तौर पे हिंदू सनातनियों में। और तीसरा जो है, शहरी क्षेत्र का जो विकास है वो कहीं ना कहीं 5 साल में ऐसा लगता है जो बातें करते हैं लोग वो अवरुद्ध था। जितना शहरी क्षेत्र के लोगों ने जो विकास के बारे में सोचा था उतना विकास शहरी क्षेत्रों में नहीं हो पाया। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, किंतु शहरी क्षेत्र में जितना अपेक्षित विकास था वो नहीं हो पाया। इसकी वजह से शहरी जनता भी थोड़ी सी नाराज थी। तो ये तो तीन जो मुझे ऐसा लगता है, जो क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कारण था। हालांकि चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया था और बहुत सारे अप्रत्याशित भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई। अब दूसरी बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह जी की या भारतीय जनता पार्टी के 3 साल से सरकार थी, वहां पर कांग्रेस की इतनी बुरी हार क्यों हुई? छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा बुरी हार कांग्रेस में, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हुई। उसके पीछे जो है सबसे पहला तो यही है, मोदी जी की गारंटी, अमित शाह नड्डा जी का और मोदी जी का एक विजन, देश की उन्नति। और वहाँ पर जो एक कारण आ रहा है जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ध्रुवीकरण भी हुआ है, जो सनातनियों और जो उसमें कि जो लोग हैं जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वो एक तरीके से एकजुट हो गए हैं और उन्होंने एकजुटता से अपना एक संदेश दिया कि यदि बहुसंख्यकों की उल अवहेलना की जाएगी तो उसके परिणाम तो अच्छे नहीं आएंगे। और सबसे मुख्य कारण तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत के हैं। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान में, तो राजस्थान में जरूर कांग्रेस के अशोक गहलोत जी बहुत ही नेता, अच्छे नेता, बड़े नेता माने जाते हैं। उन्हें तो जादूगर कहा जाता है, वो कुछ भी कर देते हैं, कर सकते हैं, ऐसा उनके बारे में ये प्रचलित था। किंतु मेरे विचार से राजस्थान में जो आपसी फूट उनकी थी, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की, वो एक बड़ा कारण था और कांग्रेस की हार का। भारतीय जनता पार्टी की जीत का तो मुख्य कारण फिर तीन वही, मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, अमित शाह जी, नड्डा जी और मोदी जी का देश की उन्नति के लिए विजन। और किंतु राजस्थान में एक बड़ा कारण भाजपा की जीत का भी है या कांग्रेस की हार का बोलना चाहिए, वो तुष्टीकरण की राजनीति, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि हम लोग सुनते रहते थे यहाँ पर बैठकर भी कि राजस्थान में काफी कुछ ऐसे अपराध हुए जो कि सनातनियों के खिलाफ थे, संतों की हत्या, एक एक टेलर मास्टर की हत्या, उसका वीडियो, इस तरह की काफी काफी चीजें ऐसे वहां पर हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार, और उतना ज्यादा कोई वो नहीं किया गया, उसका संज्ञान नहीं लिया गया और जैसा लेना चाहिए था। तो ये धीरे धीरे करके राजस्थान में जो है वो गहलोत सरकार के खिलाफ एक गुस्सा था, मंदिर में जो है वो दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा जो है वो फायरिंग हुई थी। हालांकि मैं इसको ये नहीं मानता, वहाँ पर जो गोलीबारी हुई
उसका निश्चित तौर पे सनातनी समाज में या हिंदू समाज में बहुत ही रोष था उससे, क्योंकि उसके उसका भी जो है मैनेजमेंट जिस प्रकार से जनता चाहती थी वैसा नहीं हुआ। कुछ मंदिर भी वहाँ पर ऐसा सुनते हैं कि तोड़े गए, हालांकि वो बहुत बोलते हैं पुराने मंदिर थे, लेकिन फिर भी ये भी एक रोष का प्रमुख कारण था और भाजपा की जीत था जीत का कि जिससे कि वो सारे के सारे लोग जो है वो एकजुट हो गए और उन्होंने जो है वो सरकार के खिलाफ मतदान किया। तेलंगाना में निश्चित तौर पे कांग्रेस की विजय हुई है, अच्छी बहुत अच्छी बात है, उनको बधाई। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर हार हुई है, इवन वायरस कांग्रेस वायरस की भी हार हुई है। उसमें भी यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गेन ही है। भारतीय जनता पार्टी का एक तो वहाँ पर संगठन बहुत अच्छा नहीं था और दूसरा वहाँ पर उसके पहले पिछले वाले चुनाव में वहाँ पर तो सीट ही नहीं थी। धारा है वो जो मुझे समझ में है वो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ये मुख्य कारण है कांग्रेस की हार का जो मैं समझता हूँ। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रयास बूथ लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक, पन्ना प्रमुख के लेवल तक जो संगठन की जो एक कसावट भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है वो एक जीत का बहुत बड़ा जो कारण है। सारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इकट्ठे होके एक साथ से, मेरा जो आकलन है, हो सकता है कि मेरा आकलन सही ना हो, किंतु मेरा जो आकलन है चिकित्सक होने के नाते इस क्षेत्र में, वो ऐसा लगता है कि ये प्रमुख कारण थे भारतीय जनता पार्टी की चारों राज्यों में बेहतर और बम्पर प्रदर्शन का। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अब जनता जो है वो जागरूक हो गई है। अब वो किसी भी प्रकार के प्रलोभन या तुष्टिकरण आदि के प्रलोभन में वो जनता अब नहीं आती, सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो यंगर जनरेशन है, अभी जो नई जो पौध है, नए जो बच्चे आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के से बहुत प्रभावित हैं। आज मैं तो दो तीन लोगों को, कभी कभी बच्चों को, मेरे मरीज को पूछता हूँ बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने बोला हम नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर मोदी जी की जो ये प्रतिभा है और उनका जो विज़न है वो पूरे भाजपा के सहयोग से, पूरे देश की जनता के सहयोग से भारत को धीरे धीरे करके बहुत आगे ले जाएगा। और वो समय दूर नहीं जब भारत विश्व में, विश्व पटल पर नंबर वन रहेगा और विश्व गुरु के रूप में कार्य करेगा। बहरहाल तीन राज्यों में हुई भाजपा की जीत का लाभ आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मोदी की गारंटी देशवासियों के दिलों में घर कर गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।